नमस्कार, आप दर्ग इंडिया टाइम न्यूज, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज उन्नाव। उन्नाव से बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम का हुआ जगह जगह स्वागत। बागरमऊ विधानसभा अध्यक्ष शरीफ खान ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ नाना मऊ रोड पर किया स्वागत। उगोगी जनसभा में बीजेपी पर जमकर बरसे नरेश उत्तम। बसपा सपा गठबंधन के औपचारिक ऐलान के बाद पहली बार बीजेपी पर बरसे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम। उन्नाव के किसान गोष्ठी के दौरान बीजेपी पर जमकर की निशानेबाजी। कहा, गैस सिलेंडर 350 के बजाय 1000 का किया। किसान मुद्दे और अन्ना मवेशियों को लेकर बीजेपी फिर घेराबंदी। गठबंधन मुद्दे पर बोले, सपा बसपा वोटर एक समान है। बीजेपी के से पहले मुलायम कर चुके हैं 10% आरक्षण की बात। किसानों के मुद्दे पर बोले, फसल की सही समर्थन मूल्य फायदा उठा रहे बीजेपी के दलाल। रिपोर्ट इरफान खान, बागरमऊ। और एक बधाई और देना चाहूंगा आप लोगों को, इस डूबती हुई नाव, इस भारतीय जनता पार्टी का डूबता हुआ जो जहाज है, आज दिन के 12 बजे हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन का ऐलान करके उस डूबते हुए जहाज के ताबूत में आखिरी चीर ठोकने का काम किया। और चुनाव लोकसभा का आने वाला है, इस लोकसभा के चुनाव में अपने हर दुख का बदला, अपनी हर उस आक्रोश को जो इस सरकार ने आपको तिल तिल करके मारने का काम किया है, उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। इस 2019 के चुनाव में करना कुछ नहीं है, बस जाना है और साइकिल का बटन दबाना है। यह मान लेना कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा मार के आए। इसी आशा और उम्मीद के साथ में आए हुए सभी किसान भाइयों को, नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को, पत्रकार भाइयों को, सभी लोगों को अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मकर संक्रांति आ रही है, 26 जनवरी आ रही है, इसके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जय जय भारत, जय समाज। का मिला है 48 रुपए वाला डीजल 75 रुपए में पहुंच गया, 56 रुपए वाला पेट्रोल 90 रुपए में पहुंच गया। और जिस समय डॉलर का दाम यूपीए की सरकार में 1 बाबा था, आजकल उसका माल सबसे ज्यादा बिक रहा है। जो पेट खड़बड़ा कर दिखाता था, ये करके दिखाता था कि डॉलर का दाम 35 रुपया होना चाहिए था, अब वो डॉलर की बात बाबा नहीं करता। अब उसकी भी बोलती बंद है, क्योंकि डॉलर का दाम भी 75 रुपया पहुंच गया। 75 रुपया डॉलर का दाम पहुंच गया पूरे देश में, दुनिया में। डॉलर से हमारे देश दुनिया की अर्थनीति तय होती है। भारत के रुपए की वैल्यू, भारत के रुपए की वैल्यू दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है मित्रों। इस बात को सोचिए आप लोग, क्यों धान को आपका 6 क्विंटल का बीघा पैदा हो जाता है, आपका गेहूं 8 क्विंटल का भी बीघा पैदा हो जाता है, और किसान बड़ा खुश होता है कि मेरे पास इस समय 50 क्विंटल गेहूं, 50 क्विंटल गेहूं है। और जब गेहूं बेचने बाजार में जाता है तो 1500 रुपए से ज्यादा क्विंटल गेहूं नहीं बिकता है, 75,000 रुपए का वो गेहूं होता है। और इस समय 2000 वाला नोट चल गया है, कुल 35-36 नोट आते हैं, वो जेब में आप डाल लो वो कहीं नहीं उचकता है। और 50 क्विंटल जिसके दरवाजे में गेहूं होता है, वो बहुत खुश होता है कि मेरे पास गेहूं बहुत हो गया। मैं कहना चाहता हूं, आपके मुद्रा की वैल्यू, आपके देश की मुद्रा की वैल्यू गिरती जा रही है, और ये गिरती भारत सरकार की बदनीति से, भारत सरकार की गलत नीतियों से है। इन सब बातों को समझने के लिए आप सब माननीय अखिलेश यादव जी को अपना आशीर्वाद दीजिए। पार्टी, हम तो एक आपको बताना चाहते हैं, जो हम चुनाव लड़ रहे थे और नरेंद्र मोदी जब आए प्रधानमंत्री तो उन्होंने ऐसी ऐसी घोषणाएं कर रहे थे, तो हमने दोस्तों मित्रों से, सुधीर रावत थे, बहुत साजन थे, कि भैया ये प्रधानमंत्री जो बता रहे हैं घोषणा करके कि देश का हम परिवर्तन कर देंगे, बदल देंगे,
स्मार्ट बना देंगे शहर पूरे हर जगह 15-15 लाख रुपए शहर का पूरा परिवर्तन करेंगे। इतना झूठ ये नरेंद्र मोदी ऐसा प्रधानमंत्री कभी जीवन में ना आया है ना आएगा ये विश्वास रखना। केवल जुमला कल अमित शाह बोल रहे थे, आपको बता देता चाहता हूँ कि हम 73 जीते थे 74 आएंगे। इनको ये पता है कि अभी उपचुनाव हुआ समाजवादी पार्टी ने इनको बुरी तौर से करेना गोरखपुर कहा नहीं हराया मेरठ हराया फूलपुर हराया। उसके बाद भी इतना झूठे अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी दोनों मिलके भारतीय जनता पार्टी को तो ये बर्बाद करेंगे और देश को इन्होंने अभी बर्बाद कर दिया। आने वाले समय में विश्वास रखो इनके ऊपर विश्वास मत करो। इससे झूठी पार्टी नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह पे विश्वास मत करना। केवल भाषण और जुमले का काम इतनी झूठ। तो इसलिए अगर आप व्यापारियों को देखो तो इन्होंने क्या काम करा उनके लिए कौन सी नई चीज कर दी 3/7 अगर किसी ने व्यापारी का सबसे पहले हटाने काम किया था तो समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह ने किया था चुंगी उन्होंने माफ करी थी। व्यापारियों का भला अगर किसे किसानों की लड़ाई आज तक हमारी समाजवादी पार्टी का इतिहास उठा लो किसानों को अगर किसी ने भला किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों के लिए जो भी हो सकता चाहे गन्ना मूल हो चाहे धान हो चाहे जो चीज हो। अरे अभी आप देख ले जो भी एजेंडे में समाजवादी पार्टी ने कहा रहेगा आपकी। देखिए आज जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का उसका हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक स्वागत करते हैं उसका अभिनंदन। इससे पहले भी कांग्रेस से हुआ था तब सपा को मुंह की खानी पड़ी थी। समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाया और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के मतदाताओं में समानता है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं इसीलिए ये गठबंधन मजबूत है और बीजेपी की नींद है। बीजेपी ने आरक्षण का एक बार फिर से लॉलीपॉप दिया है उसका क्या? समाजवादी पार्टी के नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने 1994 में कौशिक समिति बनाकर 10% की बात की थी सबसे पहले समाजवादी पार्टी। बीजेपी ने दिया आपके आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी ने 1994 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कौशिक समिति बनाकर 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात सामान्य वर्ग को की थी। राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से जो है मामला आया था कोर्ट में फिर से जो है तारीख पर तारीख मिल रही है इस पर क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने में भारी भेद है। बीजेपी जो कहती है वो कभी नहीं करती। क्या समाजवादी पार्टी जो है राम मंदिर निर्माण को लेकर समाजवादी पार्टी ने नहीं रोका है। समाजवादी पार्टी इस देश में सामाजिक समरसता चाहती है। समाजवादी पार्टी हर बेरोजगार को रोजगार चाहती है। समाजवादी पार्टी किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य चाहती है। अध्यक्ष जी वाराणसी से सुना हार्दिक पटेल आने के लिए चुनाव मैदान में। समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी तय करेंगे कौन समाजवादी पार्टी से कहां लड़ेगा। नहीं नहीं आप समर्थन करेंगे अगर वो आते हैं? समाजवादी पार्टी के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी तय करेंगे कौन कहां से लड़ेगा। आप समर्थन नहीं करेंगे? समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे कौन कहां लड़ेगा। उम्मीदवार की घोषणा कब तक करेंगे? समाजवादी इससे मैंने उत्तर दे दिया। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो बहुत जल्दी आपको बता देगा कौन कहां लड़ेगा। बीजेपी सीबीआई जांच करा रही सब जगह क्या अखिलेश को डर लग रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी के जमाने में इस समय भारी खनन हो रहा है। आपके उन्नाव में खनन हो रहा है पूरे बुंदेलखंड में खनन हो रहा है और ओवरलोडिंग से जो सड़कें माननीय अखिलेश यादव जी ने बढ़िया बनाई थी वो 80-80 टन 1600 फुट मोरन लाद करके उन सड़कों को बर्बाद किया जा रहा है। जांच इसकी होनी चाहिए। किन किन जिस तरह से जो है बीजेपी ने जो है गाय गौकशी पर प्रतिबंध लगाया इसके बाद एक्सप्रेस वे पर इस समय तमाम गाय घूम रही हैं और हमारे एक सीएम ने भी ट्वीट किया है इस पर आपका क्या स्टैंड? यही तो मैं कहता हूं कि बीजेपी पार्टी जो कहती है वो नहीं करती है। इस प्रदेश के अंदर तमाम अन्ना जानवर परेशान हैं और उनको खाना नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जुमलेबाजी करते हैं। तमाम किसान स्कूलों में अस्पतालों में उन जानवरों को भर रहे हैं। तमाम लोगों पर मुकदमा लग रहे हैं। कल महोबा के अंदर एक किसान ने दूसरे किसान को लाठियों से इसलिए मारा कि तूने मेरे खेत में क्यों हाक दिया वो अन्य जानवर को वो उसको पीट दिया था। आज ही आपके किसी अखबार में है इस तरीके काम हो रहा है। तमाम जगह झगड़े इस रहे हैं कि हमने अपने जानवर उस गांव को उस गांव भेज दिए उस गांव में लोगों में झगड़ा है। बीजेपी ने कहा था हम व्यवस्था करेंगे व्यवस्था नहीं करें। आज भी जो गौशालाएँ हैं
उन गौशालाओं में सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है, ना उनकी कोई व्यवस्था कर रही है। सब जानवर बेचारे परेशान घूम रहे हैं और किसान भी सबसे ज्यादा परेशान। अगर आप सरकार में आए तो क्या गौशाला बनाएंगे? हम निश्चित रूप से जो अन्य जानवर है उनके खाने पीने का, उनके रहने का सही व्यवस्था करेंगे और किसानों को उनकी फसल की सुरक्षा हम करेंगे। अंदर जी, शिवपाल सिंह यादव फैक्टर आप कितना मानते हैं? समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया है और इससे पूरा का पूरा रिजल्ट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आए। आपके पूर्व मंत्री भी उनके साथ चले गए हैं? हमारे मंत्री सब हमारे साथ, गंदा गंदा सब जो माननीय अखिलेश यादव जी को समाजवाद को और समाजवादी पार्टी को मानता है वो सब समाजवादी पार्टी के साथ। आगामी इलेक्शन में राम मंदिर को भी आपकी पार्टी मुद्दा बनाएगी? कितनी बार इस बात को पूछोगे, हमने कितना बताया आपको, बात आप नहीं समझ पा रहे हो। बात समझो, हमने कहा बीजेपी जो कहती है वो नहीं करती है। हमारा मुख्य मुद्दा है इस देश की बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों को उनकी फसल का मूल्य मिले, लोगों को रोजगार मिले। गठबंधन में क्या कुछ सहमति बनी, क्या कुछ सहमति बनी गठबंधन में?